जिन्होंने इस माटी की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिए, शहीद हो गए, उन सबको हम नमन करते हैं और उन साथियों को भी नमन करना चाहूंगा इस मंच से, जो हमारे पूर्वजों का जो सपना था उस सपने को लेकर संघर्षरत रहे हैं। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय जोहार, जय भील प्रदेश। Here I will make you count, मैं यहाँ पर आपको कुछ भील प्रदेश क्यों बनना चाहिए वजह बताना चाहूंगा। दो वजह, उसमें से पहली वजह है भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय आदिवासी समुदाय के पास 61% जमीन थी, अर्थात द इंडिजिनियस वॉज द ऑनर ऑफ द 61% लैंड ऑफ इंडिया। लेकिन तब से लगाकर अब तक कई सरकारें आई, कई सरकारों ने शासन किया, लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो आदिवासी के पास इस 61% जगह की जगह सिर्फ और सिर्फ 3% लैंड बची है, जमीन बची है। अगर हम भी प्रदेश पृथक सेपरेट स्टेट के लिए हम संघर्ष नहीं करते हैं तो हम हमारे ही देश में बेगाने हो जाएंगे, सुन लीजिए। इसलिए भी प्रदेश की जरूरत है। That's why we have to fight for the separate state. That is our existence. And that is our true independence. वही हमारी सच्ची स्वतंत्रता होगी जिस दिन भील प्रदेश बनेगा और यहाँ के नागरिक उस खुली सांस ले पाएंगे। दूसरा, हमें राज्यों की सरकारों ने आज तक न्याय नहीं दिया है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए, जुल्म हुए, लेकिन इन सरकारों ने आंखें बंद करके देखती रही, जुल्म को देखती रही। उसका एक ताजा उधर आई वॉन्ट टू गिव यू ए रिसेंट एग्जाम्पल विच हैपेंड इन द सिरोही डिस्ट्रिक्ट। कार्तिक भील का नाम सुना होगा, कार्तिक भील को मार दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन आज तक कार्तिक भील का परिवार कलेक्टर के बाहर थाने देके बैठा हुआ है, लेकिन हत्यारे आज भी खुले घूम रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश के अंदर नीमच के अंदर देखा होगा, सुना होगा, वीडियो देखा होगा, उसमें कनालाल भील को इस आजाद देश के अंदर इन सरकारों के बैनर तले कनालाल भील को एक पिकअप के पीछे घसीटते हुए मार दिया गया है, लेकिन आज तक उसको न्याय नहीं मिला। और पिछले साल देखा होगा आपने जाड़ों फ्लैश या उधर हमारी 75 साल की वृद्ध माँ जब वो बाजार से आ रही थी और किसी सामर्थी व्यक्ति ने ये कहा कि मेरे अंदर शिव प्रवेश कर गए थे इसलिए मैंने इसका मर्डर कर दिया, ये भी जीता जागता उखान देखा होगा। और मध्य प्रदेश के अंदर एक जो संघी आदमी है, संघी मानसिकता का आदमी है, वो आदिवासी के ऊपर टॉयलेट करता है या पूरा देश देखता है, लेकिन उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। क्या हमें न्याय मिल रहा है क्या? तो फिर आपको भी प्रदेश चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर भील प्रदेश बनेगा, मैं यहाँ से दावा कर रहा हूँ, आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है उसकी स्ट्रेटजी के तहत आपको 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा, वो भी बिना पैसे के और बिना करने दिए। ये बात आदिवासी परिवार कर रहा है।
इसलिए अखिल प्रदेश बनना चाहिए। और आपने पिछले वन मिनट और सर देखा होगा अभी उपनिवेश आ रहा है, यहाँ निजीकरण बढ़ रहा है और निजीकरण के बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, दिल्ली के, यूपी के, बिहार के, बॉम्बे के, और यहाँ पर सारे निजीकरण इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो और हॉस्पिटल हो, और यहाँ के स्थानीय युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है। छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा है? ये उपनिवेश एक तो अंग्रेजों ने उपनिवेश किया था और ये काले अंग्रेज जो उपनिवेश कर रहे हो और आदिवासी पढ़े लिखे युवाओं की नौकरी छीन रहे, रोजगार छीन रहे। तो साथियों, आई विल नॉट टॉक मच अबाउट इट बिकॉज द वी हैव बेटर एन पर्सन एंड दे आर वेटिंग, सो वी शुड लिसन ऑल ऑफ देम। सो लास्ट आई वांट टू टेल यू, आप पेशेंस रखना, पेशेंस यानी संयम रखना। युवाओं के अंदर संयम नहीं होता है। अभी अभी हमारे नए साथी गए हैं विधानसभा में, लोकसभा के अंदर, अब साजिश होगी, ये बीजेपी के द्वारा एक साजिश होगी। साजिश ये होगी कि हम जिन साथियों को चुन के वहाँ जयपुर दिल्ली के अंदर भेजा है तो इनका हमारे क्षेत्र का जो विकास का पैसा है वो रोकेंगे। वो इसलिए रोकेंगे कि अगर इनके विकास नहीं करा पाएंगे तो हार जाएंगे और फिर हम इनको गुलाम बना के रखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, नो पेन नो गेन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो पेन नो गेन, मतलब बिना संघर्ष के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिना दर्द के हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक महिला जब माँ बनती है, एक नया जीव पैदा करती है, उसको कितना दर्द होता है उससे पूछ लेना। एक नया जीव पैदा करने के लिए, उसी तरह से एक नया राष्ट्र बनने के लिए युवा समझ जाना आपको कितना दर्द झेलना पड़ेगा। जय जवाहर।